नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम जो पिछला वीडियो था उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और इसीलिए इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ फेज डायोड रेक्टिफायर विथ आर लोड। और कैलकुलेशन में क्या क्या करेंगे बच्चों, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, वोल्टेज का, करेंट का, सिमिलरली पावर कैलकुलेशन करेंगे एज वेल एज हम पावर फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल एनालिसिस हमें यहाँ करना है जिसको फटाफट हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बच्चों, एवरेज वैल्यू सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स में कितनी बार एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू को मैंने यहाँ वी नॉट नाम दिया है। तो वी नॉट की जो वैल्यू होगी अगर इंटीग्रल के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो फुल वेव का जो साइकिल है उसका टाइम पीरियड होता है टी पाई, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π। तो t इक्वल टू 2π आप याद रखिएगा फुल वेव के लिए, यानी एक साइकिल में 0 से π, एक पल्स में 0 से π, अगले पल्स में पाई से 2π। तो बच्चों जो इक्वेशन बनेगा v नॉट इक्वल टू 1/2π, 2π का यहाँ पे टाइम पीरियड है, फिर इंटीग्रेशन 0 to π। मैं चाहता तो 0 to 2π लिख सकता था, पर क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि आपको पता है पाई से 2π तक मुझे कुछ आउटपुट वोल्टेज मिला ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 से 2π और उसको तोड़ सकते हैं 0 से π, पाई से 2π। तो पाई से 2π में आउटपुट वोल्टेज क्या है बच्चों, 0, जो वेवफॉर्म में आपने देखा होगा। इसीलिए मैं यहाँ 0 से π लिया हूँ। अब ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने अपर लिमिट तो 2π की जगह पे पाई ले लिया, फिर कैसे हो गया है। तो 0 से 2π में 0 से π तक आउटपुट मिल रहा है, इसलिए मैंने 0 से π लिया और मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज Vs। और Vs की वैल्यू कितनी है बच्चों, Vm sin ओमेगा t। तो Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t मैंने यहाँ पे लिख दिया और मेरा जो रेफरेंस एक्सिस है वो ओमेगा टी का है। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो उसमें डी ओमेगा टी मेरा ऑपरेटिंग वेरिएबल है। तो बच्चों अगर मैं लिख दूं यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन 0 to π Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, बहुत सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, आई होप आपको आता भी होगा। तो Vm एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर निकालिए वैल्यू आ जाएगा Vm अपॉन 2π और साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए बच्चों, वो होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, चूंकि ओमेगा टी जो है वो वेरिएबल है किसके साथ, कॉस के साथ, लेकिन डी ओमेगा टी जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो डी ओमेगा टी है। तो इसलिए ओमेगा टी और डी ओमेगा टी एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अदरवाइज अगर ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मेरा dt होगा इंटीग्रल में तो ओमेगा एज ए कॉन्स्टेंट कंसिडर होता और फिर डिवाइडेड बाई ओमेगा होता, जो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस फिर से करेंगे। तो चूंकि d ओमेगा t और ओमेगा t हमारे रेफरेंस एक्सिस में एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वैल्यू लिख दिया Vm अपॉन 2π माइनस का cos ओमेगा t और उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से π। अब आप पुट कर दीजिए अपर लिमिट π, ओमेगा टी के जगह पे लोअर लिमिट 0, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गया बच्चों Vm अपॉन पाई, क्योंकि ऊपर से 2 नीचे से के 2 को काट चुका है तो वैल्यू हो गई Vm अपॉन पाई। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड। अब हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों। RMS को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, रूट मीन स्क्वायर को आप उल्टा पढ़िए, S स्टैंड्स फॉर स्क्वायर, M स्टैंड्स फॉर मीन मतलब एवरेज, R स्टैंड्स फॉर रूट, बड़ा सिंपल है। आप क्या करिए, गिवन सिग्नल जिसका आपको RMS वैल्यू निकालना है पहले उसको स्क्वायर कीजिए। तो देखिए मेरे पास Vs था, Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, तो मैंने Vs यानी Vm sin ओमेगा t का स्क्वायर कर लिया। दिख रहा है बच्चों, Vm स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। फिर मैं इसका मीन निकालू बच्चों, मीन अभी जस्ट पहले ही निकाले हैं 1/2π, इंटीग्रेशन 0 से 2π करना था लेकिन 0 से π तक आउटपुट मिल रहा है तो इसलिए 0 से π लिया। फिर क्या करना है बच्चों, रूट, तो इसका रूट कर दीजिए, रूट का पावर होता है 1/2, तो मैंने इसलिए सबको ब्रैकेट में करके पावर लिख दिया 1/2। अब Vm स्क्वायर को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे बच्चों क्या आएगा, Vm, 2π को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा, अंडर रूट 2π, और जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो डिफिकल्टी होगा। तो आप नॉर्मल फंक्शन में तोड़िए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फंक्शन बनेगा वो होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2,
तो मैंने साइन स्क्वायर टी की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी। अब बस सिंपल सा है बच्चों, इंटीग्रेट कर लीजिए जैसे हमने पिछले टॉपिक में करा था। तो मेरा फाइनल जो आरएमएस वोल्टेज आया है दैट इज इक्वल टू वीएम बाय 2। याद करिएगा एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है बच्चों, वीएम बाय पाई हाफ वेव का। आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव का कितना है बच्चों, वीएम बाय 2। अब हम करंट निकालेंगे बच्चों, कौन सा करंट, एवरेज करंट। करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब आप एवरेज करंट निकालेंगे जिसको मैंने आई नॉट बोला, तो एवरेज करंट आई नॉट इक्वल टू हो गया एवरेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि लोड कैसा है बच्चों, रेजिस्टिव लोड है। तो वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, वीएम अपॉन पाई। तो आपने वी नॉट की जगह पे लिख दिया वीएम अपॉन पाई, तो फाइनली वैल्यू मिल गया आई नॉट इक्वल टू वीएम अपॉन पाई आर। अब हम आरएमएस करंट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। आरएमएस मींस, आरएमएस करंट में क्या होगा बच्चों, आरएमएस करंट में होगा आरएमएस वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। जो आई नॉट आर है, आर स्टैंड्स फॉर आरएमएस, वी नॉट आर, वी नॉट में आर स्टैंड्स फॉर आरएमएस। तो बच्चों आरएमएस वोल्टेज कितना था, वीएम अपॉन 2। तो फाइनली आरएमएस करंट कितना हो गया बच्चों, वीएम अपॉन 2R। तो इस तरीके से हमने आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, पीक एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट निकाल दिया। अब हम पीक करंट निकाले बच्चों, पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बच्चों, वेवफॉर्म में दिख रहा होगा आपको Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, तो Vm इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट को पीक करंट बोलते हैं, वो होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस यानी Vm अपॉन R। अब आइए बच्चों अगले टॉपिक को हम कैलकुलेट करते हैं, वो है पावर, यानी इस रेसिस्टिव लोड के अंदर पावर कितना डिलीवर्ड हो रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पावर इक्वल टू होगा आरएमएस लोड वोल्टेज इनटू आरएमएस लोड करंट। तो चलिए आरएमएस लोड वोल्टेज कितना था बच्चों, वीएम अपॉन 2। आरएमएस लोड करंट कितना है बच्चों, वीएम अपॉन 2R। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल वैल्यू होगा वीएम स्क्वायर बाई 4R। और मैं इसको करंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, आई नॉट स्क्वायर आर। अब बच्चों इनपुट और आउटपुट पावर फैक्टर की हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू होगा पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय इनपुट अपरेंट पावर यानी वोल्ट एम्पियर। तो पावर डिलीवर्ड बाय लोड कितना हो गया बच्चों, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर में क्या होगा, तो सप्लाई वोल्टेज कितना था वीएस, इनपुट वोल्टेज और आरएमएस करंट यानी आई नॉट आर। तो इस तरीके से आई नॉट आर कट जाएगा, फाइनल जो वैल्यू होगा वी नॉट आर अपॉन वीएस, वी नॉट आर अपन वी एस का रेशियो आप ले लीजिए और उसकी वैल्यू आ रही है 0.707। और नेचर भी कैसा है बच्चों, लैग। तो इस तरीके से हमने सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड का वेवफॉर्म भी देख लिया था पिछले वीडियो में, सर्किट डायग्राम में देख लिया था, और इस वीडियो में हमने उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने एवरेज वोल्टेज, आर एम एस वोल्टेज, एवरेज करेंट, आर एम एस करेंट, पीक वोल्टेज, पीक करंट, एज वेल एज पावर डिलीवर्ड टू रेसिस्टिव लोड, इनपुट पावर फैक्टर, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया। बच्चों आगे के जितने भी वीडियोस होंगे आपको उन सभी वीडियोस में सभी टॉपिक्स को कैलकुलेट करना होगा। सबको कैलकुलेट करने का मेथड एक ही है, किसी में लिमिट 0 से पाई होगा, किसी में लिमिट 0 से 2 पाई होगा, किसी में लिमिट अल्फा 2 पाई होगा, जब आप कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज इंटरनल मैकेनिज्म यही होगा। तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीरिक्विजिट्स है वो क्या है बच्चों, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज। तो एटलीस्ट आपको ये फोरियर सीरीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को अगर आप जानते हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।